हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल आप लोगों का काफ़ी सवाल था बहुत सारे सवाल था क्या अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या हम फेल कहलाएंगे या पास कहलाएंगे बहुत सारे सवाल का आज हम जवाब देंगे इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए देखिए ये एक बच्चा है जिसका यह रिजल्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स में ये 28 नंबर लाए याद रखिएगा अगर आप 33 नंबर लाते हैं सब एक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर लाइएगा तो पास कर लाइएगा अगर 33 से कम आता है तो फेल कहलाते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बच्चा इकोनॉमिक्स पेपर में फेल हो चुका है लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया तो यहाँ पर यह समझ में आया कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा परमोटेट कर दिया गया ठीक है अब हम दूसरे बच्चे का यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं देखिए यहाँ पर ये एक बच्चा है जिसमें क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में कितना नंबर लाया सत्ताइस नंबर देखो कम से कम पास मार्क्स होने के लिए तैतीस नंबर चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में सत्ताईस लाया तो इसलिए ये प्रमोटेड हुआ क्योंकि ये कम से कम दो सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ अगर एक सब्जेक्ट में फेल, सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा यानी पास कर दी जाएगा यानी प्रमोटेड कर दिया जाएगा तो याद रखिए अगर प्रमोटेड किया गया है तो आपको आगे क्लास में और इसको बेहतर करना है ऐसा प्रमोटेड वर्ड नहीं लाना है पूरी बेहतर में से तैयारी करना है ताकि प्रमोटेड ये जो वर्ड आ रहा है ये ना आए है ना आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ये बच्चा का देखते हैं अगर हम ये इस बच्चा का देखे जाए तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में सोलह नंबर यानी तीतीस नंबर से कम लाए तेंतीस नंबर लाएंगे तो पास करेंगे और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर ये दोनों बच्चा सॉरी ये बच्चा जो है ये दोनों पेपर में पॉलिटिकल साइंस में भी फेल हो गया और इकोनॉमिक्स में भी फेल हो गया यानी दोनों पेपर में ये ये बच्चा फेल हो गया इसलिए ये मार्जिनल कहलाया यानी ये फेल हो गया इसका पूरा जो आ, इसका जो रिजल्ट बना वो फेल हो गया आई बस सुन में अब ये अगली क्लास में नहीं जा पाएगा आज का हम अपडेट भी देख लेते हैं क्या है अपडेट अगर, अगर अपडेट आपको क्लियर तरीके से यहाँ पर क्लियर तरीके से देखिएगा देखिएगा दसवीं के छत्तीस हज़ार बच्चे फिर करेंगे नौवीं की पढ़ाई यानी अगर आप अगर आप क्लास नाइन से क्लास दिलवे फेल कर गए हैं तो आपको फिर से क्लास नाइन की पढ़ाई करनी होगी यानी एक साल आपका फिर बर्बाद होगा समझ रहे हैं अगर क्लास नाइन में फेल हो गए तो फिर से क्लास नाइन में आपको पढ़ना पड़ेगा रांची हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड के 36,509 छात्र छात्राएं जो बीते दो माह से दसवीं की कक्षा में नामांकन पढ़ाई कर रहे थे यानी क्लास नाइन का एग्जाम भी परीक्षा भी दिए फिर क्लास टेन में आप नाम भी लिखा लिए उसके बाद पढ़ाई भी चालू कर दिए फिर अचानक पता चला कि आप क्लास नाइन में फेल हो गए तो उसके क्या होगा उन्हें फिर से नौवीं कक्षा में पढ़ाई करना होगा क्योंकि वे नौवीं कक्षा अच्छा वार्षिक परीक्षा में पास नहीं कर सके यानी फेल कर गए तो फिर से आपको क्लास नाइन में ही रहना होगा क्योंकि नौवीं कक्षा अच्छा में कंपार्टमेंट परीक्षा भी क्या प्रावधान नहीं है यानी क्लास नाइन में आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं है ऐसे में उन्हें दोबारा नौवीं में ही इस सत्र में पढ़ाई करनी होगी यानी एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा जैक ने जून जुलाई में नौवीं की परीक्षा ली थी परीक्षा समाप्त होने परीक्षा समाप्त होने के छात्राओं का नामांकन दसवीं में फिर उनकी पढ़ाई शुरू कर दी थी यानी जैसे परीक्षा समाप्त हुआ था तो क्लास टेन में आपका जो पढ़ाई शुरू कर दिया था उन्हें पाठ्यपुस्तक यानी किताबें भी दे दी गई थी लेकिन आए लेकिन अब इनमें से छत्तीस हज़ार छात्र छात्राएँ यानी छात्र छात्राएँ जो है थर्टी सिक्स यहाँ पर फेल कर गए नौवीं की परीक्षा पास नहीं कर सके इनकी वजह से आप दसवीं की बजाय नौवीं में ही पढ़ाई करनी होगी यानी आप क्लास टेन में नहीं जाकर आप क्योंकि आप क्लास नाइन में फेल कर गए और याद रखिएगा अभी हमने जैसा बताया कि अगर आप कम से कम दो पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप फेल कहलाएंगे ठीक है तो आप क्लास टेन में नहीं जाकर नाइन में ही रहेंगे इतना ही नहीं शिक्षा विभाग नवंबर दिसंबर से पहले टर्म की नवंबर पहले नवंबर दिसंबर में आपको पहले टर्म का परीक्षा भी ले लेगा ये चाह रहा है ठीक है ऐसे में जब दो से तीन माह का समय बच गया है छात्र छात्राओं को फिर से सिलेबस के आधार पर तैयारी करनी होगी फेल विद्यार्थी के साथ साथ अभिभावक शिक्षक भी परेशान है विद्यार्थी को दसवीं की ओर से किताबें कैसे ली जाए इसे लेकर फिर सीधे होंगे पास आठ फिर सीधे होंगे पास आठवीं बोर्ड का भी जैक रिजल्ट जारी कर इनके लिए जैक कंपाट परीक्षा लेगा या फिर रियायत के साथ देखो क्लास एट का प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है क्लास नाइन का वाले का ठीक है अब लिखा है कि आरवी के पच्चीस हज़ार तीन सौ तिरसठ नहीं हो सके प्रमोट देखो इगारहवीं एक आर एक आर के पच्चीस हज़ार तीन सौ तिरसठ नहीं हो सकेंगे प्रमोट यहाँ पर लिखा हुआ है ग्यारहवीं के पच्चीस हज़ार तीन सौ तिरसठ बच्चे यानी फेल कर गए हैं इसलिए प्रमोट नहीं हो पाएंगे ग्यारहवीं के पच्चीस हज़ार तीन सौ तिरसठ छात्र छात्रा अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे ऐसे में राज्य के स्कूल कॉलेजों में देखो यहाँ पर ग्यारहवीं जो क्लास में है इतना जो स्टूडेंट्स है वो अगले क्लास में नहीं जा सकेंगे यानी क्लास एलेवन में है तो क्लास एलेवन में रहेंगे क्योंकि इतने लोग फ़ेल कर गए हैं राजकीय स्कूल कॉलेज में पिछले डेढ़ महीने से बारहवीं की पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को अब फिर से यानी आप क्लास टूल्व में पढ़ाई भी कर रहे थे लेकिन आपको पता चला कि अब आपको क्लास इलेवन में आप फेल कर गए तो फिर से आपको क्लास इलेवन का परीक्षा देना पड़ेगा ग्यारहवीं की पढ़ाई करनी होगी और उन्हें नौवीं में उन्हें नौवीं में असफल रहे छात्र छात्रों की तरह यानी जैसे क्लास नाइन में जो फेल कर गए नवंबर दिसंबर में उनका भी टर्म वन का परीक्षा उसी तरह इनको भी क्लास इलेवन का तैयारी करना है फिर नवंबर या दिसंबर में टर्म वन का एग्ज़ाम देना है परीक्षा देना है तो यही है आज का अपडेट वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि इस तरह का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो